कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपनी बेटी अनायरा के साथ की कुछ फोटो पोस्ट की है, जिस पर फैंस खूब सारे कमेंट्स कर रहे हैं। अनायरा ब्लू आउटफिट में काफी क्यूट लग रही है। कपिल शर्मा अपनी बेटी के साथ मिलकर पाउट बना रहे हैं। उन्होंने ग्रे कलर की हुडी पहनी है और व्हाइट कैप और चश्मा लगाया हुआ है। ये तस्वीरें अभी तेजी से वायरल हो रही हैं। कपिल शर्मा की बेटी अनायरा पाउट बनाते हुए काफ़ी प्यारी लग रही हैं। कपिल शर्मा ने ये प्यारी सी तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सबसे प्यारा पाउट मैंने कभी देखा है। इस पर बहुत सारे फैंस ने हार्ट की इमोजी शेयर करते हुए तस्वीरों को प्यार दिया है। वहीं एक अन्य यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा, कितनी प्यारी है। एक फैंस ने कमेंट करते हुए लिखा, अपने पापा के जैसे ही प्यारी है अनायरा। एक अन्य यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा, दिल जीत लिया। कपिल शर्मा की डॉटर अनायरा 1.5 साल की है और कॉमेडी किंग कपिल शर्मा उनकी वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए शेयर करते रहते हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने एक क्यूट सा वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो ड्रम बजाते हुए दिखाई दी थी। अनायरा वीडियो में कहती है, पापा आप बजाओ। इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा था, जैसे पिता वैसी बेटी। हाल ही में कपिल शर्मा के बेटे त्रिशान 1 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर कपिल शर्मा ने काफ़ी फोटो शेयर की थी और उन्होंने बताया था कि त्रिशान का यह पहला फोटोशूट है। अलग अलग पोज में दोनों भाई बहन काफ़ी क्यूट लगे थे। फोटो में दोनों मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। अनायरा येलो फ्रॉक में नजर आई तो वहीं त्रिशान ने व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स कैरी किया था। कपिल शर्मा ने गिन्नी चतरथ से 12 दिसंबर 2018 को शादी की थी। गिन्नी चतरथ ने 2019 में अनायरा को जन्म दिया था। इस तस्वीर में कॉमेडी किंग अपने पूरे परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कपिल शर्मा का OTT शो आई एम नॉट डन यट नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। वहीं कल कपिल शर्मा और उनकी वाइफ गिन्नी चतरथ गहराई के स्क्रीनिंग में दिखाई दिए थे। सर सेंटर, कपिल सर सेंटर, बाजी मैडम जी यहां देखिए, प्लीज साइड हो के आगे चलो। बाजी गिन्नी जी, बाजी सामने आ रहे हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे। वाह, टेक टू हमारे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।